लाइब्रेरी खुलेगी। ये लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं जैसे ई रीडिंग रूम और वाईफाई से लैस होगी। इसमें एक साथ 50 पाठकों के बैठने की सुविधा होगी। दरअसल नगर निगम की बैठक में ये सारे फैसले लिए गए हैं। ये बैठक महापौर और उप महापौर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर के हर वार्ड में विकास को गति देने पर चर्चा हुई। हर वार्ड पर 20-20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। महापौर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि निगम के पास धन की कमी के बावजूद शहर में विकास निरंतर जारी है। आज हमने प्रमुख रूप से कई मुद्दे पास किए, जिसमें घंटाघर में बुक कैफे खोला जाएगा और हमारा टाउन हॉल में जहाँ पे 50-60 बच्चों को बैठने की व्यवस्था होगी, वहाँ पर ई रीडिंग रूम जिसमें वाईफाई की सुविधा भी रहेगी वो भी स्थापित किया जाएगा। इसकी कमी है, लेकिन कुछ कार्य हमें जनहित में, जैसे सरकारें लोन लेकर चलती है, हजारों करोड़ के ऊपर हमारी सरकार ऋण लेकर चली हुई है। हम लोगों के पास ये रोना नहीं रो सकते बार बार कि हमारे पास पैसा नहीं है। धन की कमी देखते हुए भी हमने रिस्क फैक्टर के ऊपर जो है आज 20-20 लाख रुपए पर बाढ़ देने की घोषणा की है और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो सरकार ने 4 करोड़ की ग्रांट वापस मांगी है वो सरकार हमसे वापस ना मांगे, वो हमारे पास ही रहे। जो हाल ही में डिजास्टर हुआ था उसका 36 करोड़ का जो प्रांकलन बनाकर हमने सरकार को भेजे थे, वो सरकार से हम मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द पैसा सैंक्शन किया जाए ताकि जो राहत कार्य है उनमें तेजी आए। 5 करोड़ के लगभग हमारे आज की दिनांक में काम चले हुए हैं। हम ये भी विचार कर रहे हैं कि हम गौ सदन की तरह डॉग केयर सेंटर मंडी में चलाएं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और है। तो इसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी हम जन सहयोग से अतिशीघ्र इसके ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। बंदरों की समस्या के लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात की है। उनका कुछ टारगेट है एक महीने दो महीने के भीतर कि वो 200 बंदर पकड़ेंगे, लेकिन हम उनका सहयोग करते हुए उनको हम धनराशि जारी करेंगे तो हम पूरे नगर निगम क्षेत्र में 1-1.5 महीने में 500 बंदरों को पकड़ने का, जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा बंदर होते हैं, तो 500 बंदर हम पकड़ने का प्रयास करेंगे।